अंडा और सेक्स, इसका क्या संबंध है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। लोग पूछते हैं कि भाई क्या मैं एक खा सकता हूँ, अंडा खा सकता हूँ, और क्या अंडे सेक्स के लिए अच्छे होते हैं, क्या मैं वेजिटेरियन हूँ तो अभी अंडा खाना ही पड़ेगा क्या। फिर नॉन वेज वाले पूछते हैं कि नहीं कितने अंडे खाना चाहिए, और सेक्स के लिए अंडा अच्छा है क्या, ऐसा काफ़ी सारे सवाल एक्स के बारे में आते हैं। देखिए अंडा जो है, एक जो है उसमें येलो पार्ट रहता है, उसको योग बोलते हैं, और वाइट पार्ट रहता है। पहले ऐसा समझता कि भाई येलो पार्ट जो है ना उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, और फिर वो खाओ मत, वो निकाल डालो, और जो सफ़ेद पार्ट है उसका वो खाओ, या उसका ऑमलेट बनाओ, और वाइट का ऑमलेट बना के खाओ, वो अच्छा है। तो वो पहले का था थॉट, अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी बोलते कि नहीं ठीक है, वो योग खाया मतलब येलो वाला खाया तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई ऐसा आपको पूछते कि अरे एग योग खा रहे हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हार्ट के लिए अच्छा नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बोलो नहीं वो पुरानी बात है, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी रिसर्च ऐसा बोलता है कि दोनों भी खा सकते हैं, वाइट भी खा सकते हैं, येलो भी खा सकते हैं। अब ये जो है ये इसका क्या फ़ायदा है, इरेक्शन के लिए, लैंगिक कठोरता के लिए क्या फ़ायदा है? तो एग योग में स्पेशली क्या है कि कोलेस्ट्रॉल तो है ही, उसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन डी, ई के, फोलेट, विटामिन B12, इतने सारे विटामिन्स जो है वो अच्छी मात्रा में रहते हैं योग में, वाइट में भी रहते हैं। वैसे ट्रिप्टोफैन जो प्रिकर्सल है एलर्जिनिन का, तो वो भी उसमें अच्छा प्रमाण में रहता है। टायरोसिन ये रहता है जो प्रिकर्सल है एलर्जिनिन का। तो ऐसे सब ये जो विटामिन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। अब ये सभी जो विटामिन है वो विटामिन टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में फायदेमंद है, मतलब वो टेस्टोस्टेरोन मैन्युफैक्चरिंग में। और आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन ये सेक्स हार्मोन है, तो फिर नेचुरली सेक्स हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा इरेक्शन में। उम्र जैसी बढ़ती है वैसा सेक्स हार्मोन कम होता जाता है बढ़ती उम्र से। तो जैसी बढ़ती उम्र है और आप यदि खा सकते हैं तो अंडा डेफिनेटली खाना चाहिए। एक या दो अंडे आप रोज के खाते हैं तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैक्सिमम यंग एज है तो 4-5 अंडे भी आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप एग नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है, तो फिर हाई प्रोटीन डाइट जो है, जैसे बादाम है, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, सब ये जो है ये आप पूरे खाते हैं तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। और जैसे मैंने पहले अलग अलग वीडियोस में कहा था कि फिर अदरक है, लहसुन है, अनियन है, प्याज, ये भी बहुत अच्छे है कि जिससे सेक्स में बहुत फ़ायदा हो। तो अंडे खाओ और ज़बरदस्त सेक्स में परफॉर्मेंस करो, सेक्स अच्छा करो। और क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बूस्ट हो जाती है, अच्छा लगता है, तो फिर नेचुरली एक फीलिंग ऑफ वेलबींग भी आता है कि मैं ठीक हूँ करके, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो एक अग्रेशन, एनर्जी ऐसा पैदा करता है। तो डेफिनेटली आपने एक से दो अंडे खाना ही चाहिए यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वो लोगों को शेयर करो जिनको इरेक्शन का प्रॉब्लम है, उम्र हो चुकी है, 50 के ऊपर है, और उन्होंने तो बिल्कुल एक खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्स परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।